यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। 30 जनवरी 1948, इस देश ने बहुत ऐसा कुछ खोया जिसकी भरपाई देश कभी कर नहीं पाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई, लेकिन महात्मा गांधी आज भी जिंदा है। गांधी कभी मरा नहीं, न कभी मरेगा। यह एक विचारधारा है गांधी, और गांधी विचारधारा कभी मरने वाली नहीं है। ऐसा कुछ कहता एक आंदोलन आज वसई अंतर्गत ठीक 5:17 पर हुआ। वसई की संविधान बचाओ अभियान नाम की एक समिति है, इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ अभी कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने 5:17 पर एग्जैक्ट वसई के अंबाड़ी रोड का ये पैसेज है, कुछ समय के लिए 1-2 मिनट के लिए इसको ब्लॉक किया था। और ये अपना इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि चाहे कितना ही लोग अपने विचारों में मन में गांधी को मारने की कोशिश कर ले, लेकिन दिल से गांधी को नहीं मार पाएंगे। गांधी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, एक विचारधारा थी, और आज भी दुनिया गांधी को मानती है, और जो देश में रहता है उसको गांधी को मानना ही पड़ेगा क्योंकि गांधी एक विचारधारा है। तो ऐसा ही कुछ कहता संविधान बचाओ समिति का ये आज का आंदोलन था। जानते हैं इन लोगों से क्या कुछ इनका कहना है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि गांधीवादी विचारधारा जो है वो लोगों तक पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। यहाँ हर 30 जनवरी को यहाँ गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। यही जगह इनका उद्देश्य ऐसा है कि लोगों को गांधी जी अमर रहे इसका संदेश लोगों तक पहुँचना जरूरी है, और वो पहुँचाने का काम हम लोग यहाँ के सब सर्वपक्षीय, सब संगठन, सब संस्था एक साथ यहाँ आकर हम गांधी जी को श्रद्धांजलि बहाते हैं। यह हमारा उद्देश्य है कि गांधी जी के विचार पूरे देश भर में, पूरे जग में फैलाना चाहिए, और उनके विचार मंथन से देश चलना चाहिए। अंबेडकरन की संविधान जो है वो संविधान से देश चलना चाहिए। संविधान एक धर्म ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, इसका पालन होना चाहिए, और यहाँ का देश संविधान से चलना चाहिए, किसी के हुकुम से ऐसे नहीं चलना चाहिए। आज जो संविधान का एक एक कलम जो है वो खत्म करने के लिए निकले हैं, इसलिए लोगों को आज रास्ते पे आने की ज़रूरत है। घर पे बैठ के कोई विचारधारा नहीं हो सकती है, वो रास्ते पे ही आना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ देश विश्व पटल पर कई देश जो आज भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, उसके विरुद्ध हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या कहना चाहिए? इसको ऐसा है कि हिंदुत्ववादी और धार्मिक धर्मांध लोग जो है वो गांधी जी के विचार खत्म करने के सोचते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा यहाँ चलती नहीं है, जो मनुस्मृति है वो वहाँ चलती नहीं है, इसलिए संविधान खत्म करेंगे तो ही उनका काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ एक साथ जुड़े हैं। गांधी जी की विचारधारा जो है वो खत्म नहीं हो सकती है। गांधी जी मर चुके हैं, लेकिन उनके विचार नहीं मर सकते हैं। किसी को मारने से विचार मरते नहीं है, इसका समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ एक साथ आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? आज का जो आंदोलन है कि लोगों को दृष्टि में आना चाहिए कि जो गांधी जी की हत्या हुई है और जिन्होंने किया है उनको एक इशारा है। हम थोड़े लोग हैं मगर गांधी के विचार के लोग हैं, और हम डट के उनका मुकाबला करेंगे। और गांधी विचार और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विचार फिर से यहाँ पर प्रस्तावित होगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? देखो, ये जो आज का कार्यक्रम है हम लोग हर साल ये मनाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा आज से करीब 30-35 साल पहले शाम के टाइम एक हॉर्न बजता था गांधी जी को याद करने के लिए, एक सायरन बजता था, और उस समय सब कुछ पूरी दुनिया में एक रुक जाती थी। वो सब धीरे धीरे बंद हो गया। तो हमने ये जो कल्पना आई है कार्यक्रम करने की, इसीलिए आई कि हम लोग भी दोबारा से वो परंपरा को चालू रखने के लिए शाम के टाइम 5:17 से 5:20 ये दरमियान में यहाँ पर एक मौन श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम करना चाहिए। ये कल्पना वसई संविधान बचाओ समिति
के दिमाग में, के कार्यकर्ताओं के दिमाग में आई, और हमने ये करीब 4-5 साल से हम ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को रेस्पॉन्स मिलता है, यहाँ जो सोशलिस्ट गांधीस्ट लोग हैं वो लोग सब यहाँ पर आते हैं, कम्युनिस्ट आते हैं, और हम सब मिलकर के ये कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि गांधी जी को भूलना नहीं चाहिए, गांधी जी ना होते तो शायद आज हम गुलामी में ही रहते थे, और ये जो गांधी के खिलाफ जो प्रचार चला रहे हैं और प्रोपेगंडा चला रहे हैं वो लोग सब आज़ादी के भी विरोधी हैं, स्वतंत्रता संग्राम के भी विरोधी हैं, उनको विरोध को हम लोग काउंटर करने के लिए ये गांधी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। 2 अक्टूबर का कार्यक्रम भी करते हैं, ऐसा हमारे सब संविधान का कार्यक्रम भी चलता है, हमारे दुड़े साहब हैं बहुत आजकल तेजी से काम कर रहे हैं, तो ये हमारा इसके पीछे उद्देश्य है। किस जनवरी 1945 साल में महात्मा गांधी जी के 5 बजे 17 मिनट में बिरला हाउस में हत्या हुई थी 3 गोली धारा का, आज उसके खिलाफ यहाँ एक आक्रोश आंदोलन हो चुका है। 5 बजे 17 बजे हमने पूरा ट्रैफिक बंद करके गांधी जी को हम श्रद्धांजलि दे दी है। दूसरी बात यह है कि गांधी जी कौन है ये अगर आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, पूरे जाने माने विश्व के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने सापेक्षवाद का सिद्धांत रखा था, परमाणु का शोध उसने किया था, उसने कहा था गांधी एक 19वें शतक का एक सपना है, एक चमत्कार है, और एक चमत्कार इस देश में हो चुका है, लेकिन ऐसा चमत्कार लोगों को कुछ लोगों को मालूम समझ में नहीं आता, उन्होंने गांधी जी ने हत्या की, लेकिन वो हत्या करने के बाद भी आज जिंदा है, क्योंकि अपने पंतप्रधान प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उनके देशों के जो सर्वोच्च पद के नेता है वो कहते लोगों को कि प्रधानमंत्री आए हैं वो गांधी जी के देश से आए हुए हैं, ध्यान में रखो। दूसरी बात है कि 170 देशों में गांधी जी का स्टैचू बना के रखा है, वहाँ उनका नमन करते सब लोग, सिर्फ सुधा अब दक्षिण अफ्रीका के माजी अध्यक्ष नेल्सन मंडेला वो भी गांधी जी के पूरा जो फिलोसफी है वो फिलोसफी पर अपना काम किया उसने, ऐसे जो पूरा दुनिया में नेल्सन गांधी जी है वो कभी नहीं मर सकते, चाहे कितने भी उसके बारे में, बस यही हम आज का आपके साथ सबसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ, हमें चाहिए कि हम गलत को गलत कहना चाहिए, यदि हम उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, गांधी जी की जो प्रेरणा को लेकर हम आगे नहीं जाते हैं, सिर्फ खाली एक आडंबर करें तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए हर जगह जहाँ भी गलत हो रहा है उसको गलत कहो, चाहे अपना करता हो चाहे गैर करता हो, तू ही जाके गांधी जी का सत्याग्रह तुम्हें जीवित होगा, और हम इस देश में जिस आशा से बापू ने ये देश को आजादी दिलाई उस आजादी को दोबारा स्थापित कर सकते हैं, दोबारा संविधान का राज ला सकते हैं। अदरवाइज चोर को बैठे ही चोरी करने के लिए, ये अपने ऊपर है, तू चोर को भगाना है कि क्या करना है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि एक हमारी लड़ाई चल रही है, ये आप सबकी लड़ाई है, लड़ाई तो सिंबॉलिक है, सिर्फ कानून का राज लाने के लिए लड़ाई चल रही है, बाकी कोई बात नहीं बच रही, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन ना तो महानगर पालिका सिर्फ मनमानी कारोबार कर रहे हैं, हिटलर का जैसा कारोबार कर रहे हैं, कानून उनके लिए कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गांधी जी जो चाहते थे कि देश में कानून का राज होना चाहिए, इस देश में संविधान का राज होना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि वो बातें हम धारण करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं, करके दिखाएं कि नहीं हमने गलत को गलत कहा, समय आने पे चाहे गलत अपने आदमी ने किया हो या बाहर वाले आदमी ने किया है, इसलिए विरोध करना जरूरी है। और हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप गलत को गलत कहना सीख लो। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।